सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोरोहित यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा रियलमी V5 के बारे में। तो रियलमी इस टाइम काफ़ी ज़्यादा अपने स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर रहा है और ये रियलमी का एक नया सीरीज होगा जो कि होगा रियलमी का V5। रियलमी के V5 के साथ बताया जा रहा है कि रियलमी V5 Pro भी लॉन्च हो सकता है, लेकिन उसके बारे में कोई भी डिटेल यहाँ पर नहीं पता। चाइना के अंदर 3 अगस्त को यहाँ पर रियलमी V5 को चाइना के अंदर लॉन्च करेगा और मैं भी आपको अगस्त के मिड में या फिर अगस्त के एंड तक ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में भी लॉन्च हो जाएगा। इस स्मार्टफोन की बात करें तो यहाँ पर आपको 5G का सपोर्ट मिलेगा। मीडियाटेक का डायमंडसिटी 720 आप लोगों को SoC मिलने वाला है। और बात करते हैं तो फ़ोन का जो डिस्प्ले है, जो लुक है, ये देखने में काफ़ी एक नया है और देखने में अच्छा लगता है। इस स्मार्टफोन में आपको मिलेगा 6.5 इंचेस का 1080p डिस्प्ले जो कि IPS LCD डिस्प्ले होगा और यहाँ पर आपको मिलता है मीडियाटेक का डायमंडसिटी 720। हालांकि जो मीडियाटेक का डायमंडसिटी 720 चिपसेट है, ये आप लोगों को मिलता है ओप्पो के A72 5G में और अब यहाँ पर रियल में भी उस स्मार्टफोन का जो चिपसेट है इसमें इस्तेमाल करने वाला है। 48 मेगापिक्सल का आप लोगों को क्वाड कैमरा का सेटअप मिलेगा और आप लोगों को यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है। 5000mAh की बैटरी मिलेगा और 30 वाट का चार्जर मिलेगा। तो जो स्पेस है वो तो मेरे ख्याल से ठीक है, साथ में अगर आपको 5G मिल रहा है तो डेफिनेटली थोड़ा तो कॉस्ट ऐड होगा ही, लेकिन रियलमी का ये एक मिड रेंज 5G स्मार्टफोन होगा जो एक नए चिपसेट के साथ आएगा। तो मेरे ख्याल से देखते हैं कि ये स्मार्टफोन को रियलमी क्या इंडिया मार्केट में लॉन्च करता है या फिर नहीं आता है, क्योंकि 5G है तो डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स मिड रेंज के 5G स्मार्टफोन को बाहर के कंट्रीज में लॉन्च किया लेकिन इंडिया के अंदर लॉन्च नहीं किया। तो देखने वाली तो ये भी बात होती है कि क्या रियलमी V5 को इंडिया के अंदर लॉन्च करता है या फिर नहीं करता है। डिस्प्ले अच्छा है, बैटरी लाइफ अच्छा है, ओवरऑल कैमरा अच्छा है। 48 मेगापिक्सल का आप लोगों को क्वाड कैमरा का सेटअप मिल रहा है, 16 मेगापिक्सल का आप लोगों को सेल्फी कैमरा मिल रहा है। तो जो कॉम्बिनेशन है ठीक है, नया चिपसेट देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करता है। और प्राइसिंग की बात करें तो लगभग 18 से लेकर 20 हज़ार रुपये इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग यहां पर हो सकता है। तो 3 अगस्त को ये स्मार्टफोन चाइना के अंदर लॉन्च होगा और उसके बाद शायद ये स्मार्टफोन आप लोगों को बहुत ही जल्द इंडियन मार्केट में भी लॉन्च होते हुए दिखने वाला है। तो आप लोग बताइए कि आप लोग किसके लिए वेट कीजिएगा, रियलमी का V5 आप लोगों को क्या पसंद आया और रियलमी जिस स्पीड से अपने स्मार्टफोन को लॉन्च कर रहा है इसके बारे में आप लोगों का क्या राय है, ये बात भी आप लोगों मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।